कसरावत के विधायक सचिन यादव के निर्देश पर शुक्रवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कसरावत द्वारा बेमौसम बारिश आंधी तूफान से किसानों की बर्बाद हुई फसलों और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के निवासरत आवासों और पशु शेडों की हुई नुकसानी का शत प्रतिशत मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय में पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार जितेंद्र सिंह अलावा को सौंपा गया। ज्ञापन के पूर्व कांग्रेस पदाधिकारी और किसान विश्वास जिनी परिसर में एकत्रित होकर वहां से वाहनों के माध्यम से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष परसराम यादव के नेतृत्व में रैली के रूप में प्रदेश की भाजपा सरकार और शिवराज सिंह होश में आओ के नारे लगाते हुए अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचे। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष परसराम यादव ने ज्ञापन का वाचन किया। जिले के साथ ही विकास खंड कसरावत की फसलें प्राकृतिक आपदाओं के कारण हर वर्ष बर्बाद हुई है। कभी ओलावृष्टि तो कभी अतिवृष्टि के साथ हवा आंधी के कारण अभी विगत किसानों की केला पपीता सब्जियों की फसलें बर्बाद हुई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के रहवासियों के निवासरत आवास और पशु शेडों को भी नुकसान हुआ है। वास्तव में मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है। 28 मई 2023 को जो प्राकृतिक आपदा हुई जिसके कारण किसानों का और साथ ही रहवासी हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के भाई हैं उनका भारी नुकसान हुआ। उनके मकानों की चद्दर उड़ गई, उनके जो पशु वाले हैं उनकी चद्दरें उड़ गई, उनके मकान टूट गए, फसलें बर्बाद हो गई। लेकिन मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है और सरकार किसी भी प्रकार का आज तारीख तक न तो सर्वे हुआ है और न कोई मुआवजा देने की बात कर रही है। ऐसी परिस्थिति में माननीय हमारे पूर्व कृषि मंत्री हमारे विधायक आदरणीय सचिन यादव जी के निर्देश पर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने महामहिम राज्यपाल के नाम अनुविभागीय अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है ताकि ये सरकार अपनी नींद से जागे और किसानों का और आम जनता जिनका भारी नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दे ताकि उनके घावों पर मरहम लगाया जा सके। इसी को लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे समस्त साथी यहां तहसील कार्यालय आए हैं और अनुविभागीय अधिकारी महोदय को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है। टीम बेहद जोश में दिखाई दे रही है, क्या था मामला? मामला पिछले समय जिस प्रकार से क्षेत्र में तेज हवा और बरसात हुई उस कारण किसानों की केले पपीते की फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, मगर आज तक किसी प्रकार से कोई शासकीय अधिकारी या कोई शासन प्रशासन की तरफ से जाकर के उस समस्या का समाधान या सर्वे नहीं किया गया। इसलिए विधायक महोदय के द्वारा ये आज अति शीघ्र सभी साथियों के साथ मिलकर आंदोलन करना पड़ा ताकि किसानों को उनकी फसल का सही मुआवजा मिल पाए और किसान आगामी फसल बोने के लिए संकट में ना रहे। करीब केले की फसलें तो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, उन्होंने दौरा भी किया और हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा भी गांव-गांव जाकर खेतों में देखा गया। जैसे पास में रेघवा गांव है वहाँ गुलाबचंद पटेल साहब के यहाँ केले की फसल खड़ी है, पूरी फसल बर्बाद हो गई। उसके आगे खड़कवानी जाकर देखो, आशिक सरपंच पूर्व सरपंच के यहाँ केले की फसल थी पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। हमारे पास गांव बामंदी में पशु सेठ के टप्पर जो थे पूरे के पूरे धराशाही हो गए, मगर आज तक किसी प्रकार से कोई अधिकारी या कर्मचारी ने जाकर उसकी सूद नहीं ली। कोई पटवारी गया, कोई तहसीलदार या कोई गिरधावर जाकर के उसकी सूद लेता, ये काम उन्होंने नहीं किया। इसलिए हमारे माननीय पूर्व कृषि मंत्री भाई सचिन जी यादव को क्षेत्र की जनता का जिस प्रकार से क्षेत्र की जनता से जुड़े हुए नेता हैं, उन्होंने हमें सब साथियों को निर्देशित किया कि जाकर के गांव-गांव जाकर इन नुकसानी का मुआवजा देखो और जाकर तहसील में आवेदन दो, ज्ञापन दो, ताकि ज्ञापन के माध्यम से जो शिवराज सिंह भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुंगी बहरी सोई है उसको नींद से जगाने का काम किया जाए। कसरावत तहसील से अबरार पठान की रिपोर्ट।